स्वागत है। हम एलएलबी की फर्स्ट भारतीय दर्ज चयिता उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में हम पढ़ेंगे। 295 से लेकर 298 तक ये सभी जो सेक्शन है, हमें धर्म से संबंधित जो अपराध है उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट है इसमें 295, किसी वर्ग के धर्म की उपासना करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्ति की किसी वर्ग या पवित्र मानी गई किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट नुकसान करे या अपवित्र के इस आशय से करेगा कि वह किसी वर्ग के धर्म द्वारा तन द्वारा अपमान किए जाए या संभवता जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म की प्रति अपमान समझे। वह धर्म से किसी भौतिक कारवास से जिसकी अवधि होगी 2 वर्ष, 2 इयर्स या जुर्माना या दोनों से दंडित उसको किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले है उपासना का स्थान। उपासना का स्थान वो माना जाएगा जहां पर एक पर्टिकुलर कोई भी एक धर्म का व्यक्ति अपनी पूजा पाठ करता है या फिर वो उसको एक पवित्र स्थान के इस हिसाब से मानकर वहां पर अपनी श्रद्धा के हिसाब से जाता है, आता है। और जैसे इसमें एक पवित्र मानी जाने वाली वस्तु जैसे कि हमारे बाइबल हो गई, गुरु ग्रंथ हो गया, कान हो गई, गीता हो गई, ये जो है ये हमारे पवित्र मानी जाने वाली पुस्तकों के हिसाब से किसी तरीके से इनके अपमान करने के आशय से इनको किसी तरीके से ये जो पवित्र मानी जाने वाली जो मैंने बताई कोई चीज है उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो 295 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है। और इसमें है 295 का, 295 क्या कहता है, विषमित और द्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हैं। जो कोई भारत के नागरिक के किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं का आहत या विषमित द्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या विषय रूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों से किसी बात की कार्यवाही से जिसकी अवधि होगी 3 साल, 3 इयर्स या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें यह है कि अगर जैसे किसी जो हमारी जो जिसको जैसे भगवान जी है किसी चीज को हम जो पवित्र मानते हैं उनकी किसी तरीके से ऐसे उनके बना रहे हैं कोई लेख लिखना या उनका कार्टून बनाना या इस तरीके से उनको सामने दिखाना, हम लोगों को मतलब प्रस्तुत करना, जो वो लोग उस धर्म के पर्टिकुलर धर्म के लोग उससे अपनी धर्म की आहत यानी कि अपमान मानते हैं तो वो 295 का में आएगा। इस तरीके का अगर जो रूपांतरण करके वो लोग हमारी जनता के सामने उस चीज को रखते हैं और कहते हैं कि अब इसको देखे और इस तरीके से वो करते हैं तो वो 295 का में आएगा। और अगर जो कोई व्यक्ति इस तरीके का वर्क करता है तो वो 3 साल का कारावास कई सजा उसको या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। एक इसमें है 296, धार्मिक जमाओं में विघ्न डालना। धार्मिक जमाओं किस तरीके की धार्मिक जमाओं, यानी कि अगर जो कोई इस तरीके का कोई पूजा पाठ हो रही है उस पूजा पाठ में किस तरीके का विघ्न डालना या कोई इस तरीके से रैली, धार्मिक रैली हो रही है उसमें विघ्न डालना या कुछ लोग बैठ के धार्मिक स्थल पर बैठ के कोई धार्मिक बात कर रहे हैं, कोई विचार विमर्श चल रहा है और उसमें धार्मिक से धर्म से रिलेटेड कोई वर्क चल रहा है और उसमें किसी तरीके का कोई विघ्न डालता है तो वो 296 में होता है धार्मिक कार्य में विघ्न डालना। जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कार के वैध रूप से रखते हुए किसी जमाव में स्वेच्छा से विघ्न करेगा वह दोनों से किसी बात की कार्यवाही से जिसकी अवधि होगी 1 साल, 1 ईयर या जुर्माना
या दोनों से दंडित किया जाएगा वह व्यक्ति जो इस तरीके के जो विघन जो जमाव होगा उस जमाव पर उस जमाव में विघन डालता है अगर। अब इसमें है 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचर करना। जो हमारे कब्रिस्तान वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो मिट्टी द्वार जो होते हैं इस तरीके के जो होते हैं जाके जो हमारे व्यक्ति होते हैं उनको दबाया जाता है जला जाता है उनमें अगर जो कोई किसी तरीके से अतिचर करता है तो वो 297 में आता है। जो कोई किसी उपासना के स्थान पर या किसी कब्रिस्तान पर या नियोजित क्रियाओं के लिए मृतकों के अवशेषों के लिए निर्भिक्ष स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना संस्कार के लिए एकत्रित कितनी व्यक्तियों में विघन करता है इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी धर्म का अपमान करे या यह समर्थन जानते हुए करेगा कि तद्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या किसी व्यक्ति के धर्म की उपासना में अपमान करेगा वह दोनों से किसी बात की कार्रवाई से जिसकी अवधि होगी 1 साल 1 ईयर। इसमें यह है जो कब्रिस्तान है या इस तरीके की जो जहाँ पर हमारे जो वो होंगे परिजन जो होते हैं उनको जलाया या दबाया जाता है वहां पर अगर जो किसी तरीके का विघन डालता है या जो जो एकत्र हुए हुए हैं लोग उनमें विघन डालता है। और इसमें एक वर्ड और है जो हमारे शव है जो शव होते हैं जो मृत शव है उनकी किसी तरीके से अवहेलना करता है उनके साथ किसी तरीके का दुराचार करता है तो वो भी इसी सेक्शन में आएगा। और लास्ट है इसमें 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना जो कोई किसी कार्य की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उसकी स्वर्ण गोरता का कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या कोई दृष्टि गोचर या कोई अंग विक्षेपित करेगा या कोई वस्तु रखेगा वह लोगों से किसी बात की कार्यवाही से जिसकी अवधि होगी 1 साल 1 ईयर या जुर्माना या दोनों से दंडित उस व्यक्ति को किया जाएगा। यानी कि जो धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने मतलब इस तरीके की कोई बात कहना जिससे कि कोई धर्म के जो समूह के जो समुदाय के किसी लोग हैं वो अपनी मां अपनी जो धर्म की अपमानना समझते हैं या अपनी अपमानना समझते हैं तो वो 298 में आएगा। काफी लोग जैसे कुछ लोग होते हैं कि धर्म से रिलेटेड कुछ बातें चली तो उसमें गलत तरीके का उच्चारण कर देते हैं गलत तरीके की बातें बोल देते हैं तो वो 298 में ही आएगा। आप इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं 295 किसी धर्म का उपासना करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना यानी कि अगर जो मंदिर मस्जिद उनको किसी तरीके से क्षति पहुंचाना या फिर कुरान या कोई भी पवित्र जो चीज है जो पर्टिकुलर उस धर्म के लोगों ने कहा है कि हमारी पवित्र चीज है उसको किसी तरीके की अपमान के आशय से रखते हुए उसमें किसी तरीके की नुकसान पहुंचाना 295 नामे के वो जो स्थान है उसमें अपमान करने की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना अगर देश में कार्य के बाद या धर्म के धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के धार्मिक भावना इस तरीके से कोई बातें करना जिससे कि वो अपना अपमान समझते हैं 296 धार्मिक जमाव में विघन डालना अगर जो कोई धार्मिक कार्य चल रहा है उसमें कोई व्यक्ति किसी तरीके का विघन डालता है तो उसके बारे में है। और 297 जो है हमारा कब्रिस्तान आदि में अतिचर करना जो कब्रिस्तान हो गए या फिर जो मृत जो शरीर होता है उससे किस तरीके से उसका दुराचार करना या उपचार करना और उनके साथ किस तरीके का गलत वर्क करना और 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई ऐसे उच्चारित या कोई ऐसी बात कहनी जिससे कि वो पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं वो अपने लिए अपमान समझे और इनके साथ साथ इनकी पनिशमेंट है मोस्टली सभी में ही बनी है कि जो इन कब्रिस्तान में और 297 298 में 1 ईयर की है 296 में भी हमारे 1 ईयर की है 295 में हमारे 3 ईयर्स की है 295 में हमारे 2 ईयर्स की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा आ जाते हैं कभी कभी ये हो सकता है आपके शॉर्ट में आ जाए या वेब शॉर्ट
आप उसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।